भाई इतनी भयंकर बारिश हो रही, देख लो भयंकर एक्सीडेंट हो रखा है। 24 किलोमीटर चला है टोटल। तो मैं कभी भी चाहिए कोई भी टी शर्ट वगैरह जीटीसी वाले ने दबा दिया भाई, हमारे मुंह सब नोच दिया जाएगा। गाइस कैसे आप लोग, आई होप आप ठीक होंगे। आपके फिर से वीडियो लेके आ चुके हैं और भाई ये वीडियो बहुत ही ज्यादा तरक्की फरक्ती होने वाली है, बिकॉज हम जा रहे हैं सतीश की चीकू की सर्विस करवाने के लिए। भाई ये लास्ट सर्विस होने वाली है मेरे हिसाब से, क्योंकि फोर्थ सर्विस है। और भाई सर्विस में क्या चार्जेस लगेंगे, क्या क्या होगा सीन, सब कुछ बताऊंगा। वीडियो में बने रहना भाई एंड तक। और देखो बारिश के कारण भाई चीकू की क्या हालत हो चुकी है, चीकू का ओनर। और भाई जिन लोगों को नहीं पता भाई ये मामा बन चुका है। भाई सर हम बादली स्टेशन पे और वीडियो को हम स्टार्ट करने के लिए भाई पर रुके थे। और भाई मौसम भाई देख लो कितना तगड़ा हो रहा है, चेक करो भाई एक नंबर भाई मौसम हो रही है आजकल। भाई रोज बारिश हो रही है, तीन चार दिन से भाई इतनी भयंकर बारिश हो रही है, देख लो रोडों के साइडों में भाई ये घास वगैरह भाई इतनी ज्यादा हो रही है। अच्छी बात है भाई हरियाली हो रही है। और एक बात और भाई सर्विस सेंटर से भाई बहुत बार फोन आ रहा था कि भाई आपका टाइम हो गया भाई आके अपनी सर्विस करवा लो। और हम भाई बहुत दिनों से इसको ठस्सा दे रहे थे, चार पाँच दिनों से उसको ठस्सा दे रहे थे। कल संडे में राइड पे थे तब भी उस टाइम भी फोन आया था, तो फिर हमने सोचा कि भाई अब तो जाना ही चाहिए, बाकी ये चेक कर लो। तो आज भी हम सोच रहे थे ठस्सा देने की, लेकिन बस आज बारिश रुक गई थी इसलिए हम सोचे चलो अब चलते ही है, कि ज़्यादा भाई करना भी परेशान करना अच्छा नहीं होता। तो भाई मेरे से अच्छा कोई नहीं जानता भाई, यहाँ पे 100 में से 500% भाई गारंटी है कि जाम जरूर मिलेगा। भाई कितना भयंकर एक्सीडेंट हो रखा है, भगवान करे जिसके साथ वो बच गया हो। ये देख लो कैसा लोग शोरूम में आ चुके हैं और भाई सतीश बाहर है अभी, सर ये बैठा हुआ है और अभी हम कपिल शर्मा देख रहे हैं। अभी सतीश भाई अपनी गाड़ी का काम करवा रहा है और उधर ही ब्लॉग वगैरह बना रहा है, और मैं अपना अंदर बैठ के तो गाइस आपको भी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और भाई ये देख लो इसकी चीकू की सर्विस हो चुकी है, फोर सर्विस, जो कि करीबन भाई 1000 ऐसे कुछ का पर आया मतलब करीबन। और आपको डिटेल में वीडियो देखनी है तो वो भाई सतीश के चैनल पे मिल जाएगी, और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा इसके चैनल पे मिलेगी, ट्रिमर सतीश के, आप जाके देख लेना। और अभी कुछ हमें जाना पड़ेगा चांदनी चौक, टी शर्ट वगैरह लेना है सतीश को उसके कंपनी के लिए काम के लिए, तो चलते हैं आपको मिलते आगे। अभी हम निकल चुके स्कूटी से क्योंकि हमने R15 लगा दिया है, इसलिए गाइस क्योंकि भाई चांदनी चौक जा रहे हैं और वहाँ पे भाई बहुत ही ज़्यादा जाम वगैरह रहता है, तो R15 को भाई निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। और स्कूटी तो भाई कहीं से भी छोटी सी जगह से निकल जाएगा। और अभी ज़्यादा सतीश को पिक करता हूँ और चलते हैं चांदनी चौक, वहाँ से हमें टी शर्ट लेना है। गाइस हम आ चुके हैं और देख लो भाई 24 किलोमीटर चला है टोटल, और ये देख लो यहाँ से सामान लेंगे और जाएंगे। हमने ले लिया है और हमें 20 लिया अभी, हमने 10 अभी और मिलेगा, 10 और लेंगे आगे। गाइस हमने 20 तो ले लिया था और 10 हमें कम पड़ रहा था, क्योंकि भाई इतना बड़ा चांदनी चौक कहने के तो मिल ही जाएगा। चलो आगे जाके देखते हैं। गाइस यहाँ पे चेक कर रहे हैं और यहाँ पे देखते हैं कितने पीस मिलते हैं भाई, बाकी निकाल के देख रहे हैं कितने पीस है। कह रहे हैं 5-6 पीस होगा और हमें लेना ये वाला कलर। गाइस आपको होलसेल में कभी भी चाहिए कोई भी टी शर्ट वगैरह या फिर लोअर वगैरह या फिर सॉक्स वगैरह चेक कर लो, ये सारे के सारी चीज़ें मिल जाएगी। भाई का कॉन्टैक्ट नंबर नोट कर लेना डिस्क्रिप्शन में। भाई चांदनी चौक में बेफिक्र होकर मैंने स्कूटी खड़ी कर दी है, यहाँ पे कोई डैमेज वैमेज नहीं हुआ, बस शाम के जहाज तो तुम्हें देखे हो गए, चांदनी चौक के जहाज है ये। और हमें 30 लेना था, 30 पूरे हो चुके हैं, जाएंगे हम घर। तो गाइस मेरे कमर में उड़ता दर्द, तो अब चलाएगा भाई सतीश स्कूटी, उस पर आता रही थी मैंने सारा कमांड। और देख लो बारिश के कारण इतनी गंदगी फैल रखी है यहाँ पे, बहुत गंदी बदबू आ रही है। किसी बस वाले को कुछ नहीं हो सकता भाई, तो बहुत ही गंदी बदबू आती है बस में से, और ऊपर से भाई गर्म गर्म हवा फेंक दिया, देख लो बहुत शोर आ रहा होगा, इतनी गंदगी। ये है दिल्ली, दिल्ली से इतना बुरा हाल। तो भाई GTC वाले ने दबा दिया भाई चैंपियन वाले को, निकाल निकाल निकाल, ये देखो। अरे भाई तू मत दम जी हो, ओ भाई देखो स्क्रैच लगी कितनी गंदी। और GTC बस वाले भाई गलती करने वाले अपनी गलती मानते भी नहीं है, मैंने सुना भाई इनको खून माफ़ है, 2-3 खून माफ़ है, उसी का वो फायदा उठाते हैं। ये है गवर्नमेंट सर्वेंट इनका, इसलिए ये भाई खुलेआम चलाते हैं, खुलेआम अगले बंदे को ठोक दे मार दे कुछ भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिस तरीके से भाई मौसम था मुझे लगा था भाई पूरे दिन बारिश होगी, बट भाई धूप निकल गई और अच्छा हो भाई, नहीं तो दिल्ली में तो भाई पानी वानी भर जाता है कहीं डूब डाब गया तो, ज़्यादा बारिश हो गई तो, और भाई कीचड़ कीचड़ हो जाता है रोड में जो कि बहुत ही गंदा लगता है। सतीश ने भाई रोशन की ओला चला चलाते ठोक दिया एक स्विफ्ट डिजायर वाले को, UP नंबर प्लेट, यही आया कल न्यूज़ में हेडलाइन पे, फ्रंट पेज पे आएगा। ये देख लो ये पुराना किला है,
आपने कभी देखा नहीं हुआ, क्योंकि ये रास्ता वैसे मेरे को सभी को पता है और ये रास्ते का रूट किसी को नहीं पता है। गाइस आपको ये साइड में जो पार्क दिख रहा होगा भाई, ये बंदर वाला पार्क है और अशोका ऐसे कुछ पार्क का नाम है भाई। ये देख लो कितने सारे बंदर है, ये चेक करो, वो भी थोड़ा स्लो करना। तो भाई इस पार्क में हम बहुत पहले आए थे भाई, हम दो बार आ चुके हैं और एक बार हम गाड़ी से आए थे, एक बार हम साइकिल से भी आए थे। पार्क का नाम भाई बंदर वाला पार्क है क्योंकि इसके भाई बहुत सारे बंदर है, कोई और जानवर नहीं दिखेगा, सिर्फ बंदर ही बंदर दिखेगा। ये चेक करो कितने सारे बंदर है। अगर तुम गलती से भी इस पार्क के अंदर जाते हो, अगर तुम अकेले जाते हो तो भाई कमी चांस है कि तुम बच के आओगे, तुम्हारे मुंह सब नोच दिया जाएगा बंदरों के हाथ। मैं तो भाई बच के आ चुके हैं क्योंकि हम भाई कम से कम तीन तीन चार चार बंदे जाते थे, अकेले नहीं जाते थे इस पार्क के अंदर। जाम हमारे पीछा कभी नहीं छोड़ती, देखो फिर से जाम मिल गया ना यहाँ पे, ये जगह निकलते हैं जाम से तो दूसरी जगह जाम में फंस जाते हैं। स्विमिंग पूल आने वाला है, ये देखो छोटा स्विमिंग पूल। ये तो भाई दिल्ली का छोटा स्विमिंग पूल जिसमें नहाते नहीं है गाड़ियों को, टायर नहाते हैं, इंसान नहीं नहाता कोई। और ऐसे और ऐसे ऐसे देखो बहुत है, अब बड़ा स्विमिंग पूल आएगा, अभी देखता हूँ बड़ा स्विमिंग पूल कैसा होता है दिल्ली का। ये देखो ये है बड़ा स्विमिंग पूल भाई, ये हालत दिल्ली का, दिल्ली हो गया भाई पास। बाकी गाइस अभी हम मजनू के टीले के पास है, आई मीन मतलब जगह को मजनू का टीला कहते हैं, मुझे नहीं पता क्यों कहते हैं। चेक करो वहाँ पे एक गाड़ी ख़राब हो चुकी है लेकिन कोई भी हेल्प करने के लिए नहीं रुक रहा, और मैं कैसे रुक सकते भाई, हमारे पास तो खुद ही कोई सामान नहीं, हेल्प हम हेल्प करेंगे तो करेंगे कैसे, हाईवे भाई कोई किसी का नहीं होता, हम खुद ही भी बच्चे हैं, हम क्या हेल्प करेंगे। इतने बड़े बड़े बंदे जा रहे हैं, फॉर्चुनर जा रही है, BMW लग्जरी गाड़ी जा रही है, तो ये स्कूटी क्या रुकेगी किसी की हेल्प के। हाँ बस जा रही है इतनी महंगी महंगी। गाइस स्कूटी लेने के बाद देखो बहुत सारे फायदे होते हैं, देखो डिक्की में भी रखा हुआ है और यहाँ भी रखा हुआ है, देख लो इसे कहते हैं असली राइडर। और बंदे भाई दो दो ढाई लाख की बाइक लेते हैं लेकिन कोई काम नहीं आता है, असली बेलदार इसे कहते हैं, असली बेलदार। हाँ भाई लोग पाँच पाँच छः छः लाख की बाइक लेते हैं कोई काम नहीं आता उनका, ये देख लो मेरी कितनी काम आ रही है। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताना, और आपको भाई सर्विस पे अगर फुल ब्लॉग देख रहा है तो भाई सतीश चौधरी के ब्लॉग चैनल पे मिलेगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप जाके देखना उसे फुल सर्विस की वीडियो होगी। और भाई लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।